नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज की खास पेशकश खास मुलाकात। खास मुलाकात में हम हमेशा किसी एक शख्सियत से मुलाकात कराते हैं और उस खास व्यक्ति से उसके जीवन के बारे में, उसके लक्ष्य के बारे में, उसकी पाइपलाइन की योजनाओं के बारे में चर्चा करते हैं। मगर आज दो शख्स हैं और दो ऐसे शख्स हैं जो वसुंधरा से जुड़े हैं। वसुंधरा का मतलब माँ होता है, धरती होता है, और धरती की कोख से अगर आप कामयाबी, सफलता, मोहब्बत और खुशियां देने का काम करते हैं तो वो जो वसुंधरा होती है उसका वाकई कुछ मायने होते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वसुंधरा अस्पताल का एक ऐसा समूह जो पूरे राजस्थान के अंदर इस वक्त कामयाबी के उस मुकाम पर है जब उन महिलाओं को खुशी मिलती है जो माँ नहीं बन पाती है। जब कहा जाता था कि माँ इसलिए नहीं बन सकती कि कमी उसी में है, लेकिन एक ऐसा प्रयोग खोजा गया कि कमी अगर है तो दोनों में है, किसी एक में हो ही नहीं सकती। और जिस तरीके से डॉक्टर संजय बकवाना और डॉक्टर रेणु बकवाना ने अपने जीवन सफर को 96 में शुरू किया, कोई सपने में नहीं सोच सकता था 40,000 से अधिक जो महिलाएं हैं उनकी, उनको माँ बनाना, उनकी कोख की रक्षा करना, उनके परिवार में सम्मान दिलवाना। क्योंकि मारवाड़ में अगर किसी महिला के संतान उत्पत्ति नहीं होती, हीन भावना से देखा जाता था और पूरे समाज के अंदर एक नई तस्वीर जिस तरीके से पेश किया। हमारे साथ आज इस खास पेशकश जो हमारी हो रही है उसमें डॉक्टर संजय बकवाना, जो बहुत अपनी तरह के एक एक्सपर्ट, IBB एक्सपर्ट कहलाते हैं, और साथ में डॉक्टर रेणु बकवाना जिस तरीके से इस प्रोफेशन से जुड़ी हुई हैं, वो लोगों के लिए केवल एक डॉक्टर नहीं है, उनके लिए भगवान का काम करती है। और वैसे भी कहते हैं डॉक्टर भगवान का रूप होता है, और जिस तरीके से एक महिला जब माँ का स्वरूप होती है उसको पता है दर्द क्या होती है, खुशी क्या होती है। और सवालों का सिलसिला सबसे पहले शुरू करते हैं डॉक्टर रेणु बकवाना से। रेणु जी, आप खुद एक माँ हैं, आपको अच्छी तरह से पता है कि माँ बनने से पहले जो सपने होते हैं माँ बनने के, फिर एक संतान को 9 महीने पेट में रखना और उसके बाद बच्चा जनना, वो सुख आप जानती हैं। और जब बच्चा बड़ा हो जाता है, कामयाबी की ओर जाता है और वो प्रतीक आपकी राह पकड़ लेता है तो खुशी ज़्यादा होती है, और जिसकी संतान नहीं हो पाती है उनका दर्द भी आप जानती हैं। उनको जब आप खुशी देने की काम करती हैं तो उनको जो खुशी मिलती है उसको भी आप एहसास करती है। कैसे देखती है अब तक इस सफ़र को? माँ बनना हर एक का सपना होता है, और जब बच्चा सक्सेसफुल होता है, जब बच्चे को जन्म देती हैं, बच्चे को प्यार करती हैं, तो वो इस प्रेम भावना का जो होता है ना, इमोशंस का, वो फ्लो चलता रहना चाहिए, क्योंकि वही फ्लो नारी को काफ़ी आह्लादित रखता है, उत्साहित रखता है। और जब बच्चे प्रोग्रेस करते हैं, बड़े होते हैं, ये लोग अपनी अपनी राह पकड़ते हैं और दे डू वेल, तो आपको लगता है मिशन कम्प्लीट। देखिए, मिशन कंप्लीट अगर वैसे देखा जाए तो आर्मी में होता है, फौज में होता है कि आप दुश्मन को आप मिशन कंप्लीट करते हैं। लेकिन यहाँ अगर मिशन की बात करें, आप भी एक अच्छी प्रैक्टिस करके रोजाना मरीजों को देख करके पैसा कमा करके इतनी सीख कर सकती थी कि ठीक है जितना सही होता, लेकिन आपने जब 96 में, मुझे याद है तत्कालीन जो कलेक्टर थे मुकेश शर्मा, उनके सानिध्य में, उनके उपस्थिति में शुरुआत की है, आज 40,000 से ज़्यादा जो महिलाएँ हैं उनको माँ बनाने का सुख प्रदान किया, तो क्या ये इतना बड़ा संसार जो आपने उत्पन्न किया, तो अब कितनी खुशी मिलती है उन माएँ जो बन चुकी है उनके परिवार में खुशी देकर? अच्छा लगता है, और इसमें हम कुछ नहीं करते, जो कराता है भगवान कराता है, हम इसमें एक इंस्ट्रूमेंट है जो उनकी अभी तक की ना अपडेटेड नॉलेज के चलते और अभी तक की जो लेटेस्ट चीज़ें हैं, लेटेस्ट साइंटिफिक वेज हैं, उनके थ्रू अगर उनका ट्रीटमेंट होके और उनको, उनकी फैमिली कंप्लीट होती है, वो खुश होते हैं, तो वी ऑल्सो फील गुड, वी ऑल्सो फील हैप्पी। ये पहला ऐसा जोड़ा है दुनिया का जिनका एक दूसरे से कंपटीशन है खुशी देने का, क्या नहीं? मैं IVF एक्सपर्ट हूँ, आपके मैं स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ, तो वो एक कंपटीशन, और उस कंपटीशन में आप अपने हस्बैंड से जब आगे निकलती है तब कितना अच्छा लगता है? ऑब्वियसली बेसिकली ये जो हमारी ब्रांच है ये सिंपल ट्रीटमेंट वाली नहीं है, इसमें हम पेशेंट के ना इमोशन से पूरे जुड़ जाते हैं, उनकी खुशी में खुश होते हैं, उनकी तकलीफ में हम भी दुखी होते हैं, तो ये इमोशनल अटैचमेंट भी हमको ना काफ़ी हद तक कभी सुख देता है, कभी दुख भी देता है, तो ये तो जर्नी है बेसिकली। लेकिन जब गोद भरने का काम आप करती हैं, हमें याद है कि जब रोती हुई महिला आती है आपको आधा समय उसको चुप कराने में चला जाता है, वो अपने सास के ससुराल वालों के उल्हाना सुनती है, वो पति के उल्हाना सुनती है, कई बार पीहर वाले भी उस पर हावी हो जाते हैं। जब आप कामयाब हो जाती हैं और वो आपको थैंक यू करने आती है, वो दोनों जो दृश्य है वो कितना सुकून है, तकलीफ भी थी, क्योंकि उस वक्त रोती रोती आती है, आपको लगता है कि आप कोशिश कर सकते हैं कि आपने कहा सर ईश्वर क्या पता करते हैं, वर्कअप कराते हैं तो पता चलता है कि दिक्कत कहाँ आ रही है। और ऐसा नहीं कि हमेशा सिर्फ महिलाओं में दिक्कत होती है, अक्सर पुरुषों में भी सेम, कई बार सेम प्रतिशतता के साथ में प्रॉब्लम पाई जाती है, और जब उसका प्रॉपरली डायग्नोसिस होता है, ट्रीटमेंट होता है, तो ऑब्वियसली सफलता तो मिलनी ही है, और जब उसमें सफलता मिलती है तो पेशेंट भी खुश,
हम भी खुश। कितनी खुशी होती है कि दोनों एक लक्ष्य पे कि खुशी देना है। पैसे तो कोई भी कभी भी खर्च कर सकता है, लेकिन कोई पहले तांत्रिक के पास जाते थे, कोई साधु के पास जाते थे, कोई ज्योतिषाचार्य के पास जाते थे। हमने सुना है आपने तो जिस ज्योतिषाचार्य जिस पंडित के संतान नहीं हो रही थी 19 साल बाद उनके भी आपने संतान उत्पत्ति का कामकाज किया, तो कितनी खुशी मिलती है पत्नी के साथ मिलकर सेवा, क्योंकि सेवा इसलिए कि एक सेवा है, पैसे से सब कुछ खरीदा नहीं जा सकता, एफर्ट्स जो काम आते हैं उसको क्या कहेंगे? बेसिकली ना फर्टिलिटी मैनेजमेंट या इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट एक कंप्लीट ब्रांच है। अगर ये मैं सोचूं कि मैं अकेला उसके लिए सब कुछ कर सकता हूं तो शायद मुश्किल होता है, तो इसलिए एक प्लस एक हो जाने से थोड़ा आसान हो गया। ये हम लोगों का इनिशियली भी एक सपना था जब हमने 96 में शुरू किया वसुंधरा, तो ये था कि जो कपल हमारे यहाँ आए वो टोटलिटी में हमारे साथ जुड़ा रहे, मीन्स डे वन से लेकर डिलीवरी के बाद तक भी अगर उसको किसी भी मुश्किल की सामना करना पड़े तो हम लोग उसको केयर कर सकें। तो इसलिए हम दोनों ने मिलकर ही इस ड्रीम को प्लान किया और ये सोच के काम करना शुरू किया कि हम टोटल ट्रीटमेंट ही प्रोवाइड करेंगे। सिर्फ ये नहीं कि हम IVF करके भूल जाएंगे या सिर्फ डिलीवरी को हैंडल करेंगे, नहीं, पूरा एक साथ पैकेज की तरह काम करेंगे, सो दैट पेशेंट की पूरी जर्नी के साथ खड़े रह सकें, उसको समझ सकें और उसको सपोर्ट कर सकें। क्या एक बड़ी ठोस वजह बता सकते हैं कि संतान उत्पन्न क्यों नहीं होती है या निसंतानता क्यों रहती है? क्योंकि कई तरह के सवाल इस वक्त भी जो लोग कार्यक्रम देख रहे हैं उनके मन में भी हैं और कुछ नहीं भी देख रहे, तो उन तक ये जब जानकारी पहुंचे तो इस बात का सुकून हो कि कमी केवल एक महिला में भी नहीं होती है, पुरुष में भी हो सकती है। कोई एक ठोस कारण ढूंढना तो वाजिब बात नहीं होगी, हम दोनों में बराबर कारण देखते हैं, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। पुरुषों में भी शुक्राणु की कमी या उनकी बनावट में कमी या किसी कारण से वो शायद काम ही नहीं कर पाए स्पर्म्स या इजेकुलेट ही नहीं कर पाए हस्बैंड, तो ये सारे कारण मेल से जुड़े हुए हैं। उसी तरह से कुछ कारण फीमेल से जुड़े हुए भी हैं, ट्यूब्स हेल्दी नहीं हो, ओवुलेशन टाइम से नहीं हो रहा हो, एंडोमेट्रियोसिस या ट्यूबरकुलोसिस जैसी कोई बीमारी हो या कुछ गांठें या फाइब्रॉइड बोलते हैं वो हो, ये सारे कारण दोनों में हो सकते हैं। और आजकल के ज़माने में एक और कारण जुड़ गया हमारे साथ में, वो लाइफस्टाइल है, और मेल और फीमेल में इक्वल जो ऑर्गेनिक कारण है वो अलग हो गए। लेकिन आप इटली गए, बेल्जियम गए, फ्रांस गए, जर्मनी गए, आप ऐसे जो जाते थे शुरुआती दौर में तो लोग देखते थे घूमने जा रहे हो, नहीं बाद में पता लगा कि आप लोग तो एक एक्सपर्टाइज के नाते आपके बाहर लेक्चर्स भी खूब हुए हैं, CME भी खूब हुई है, और वहाँ से जो ट्रेनिंग आपने किया वो जो एक्सपर्टनाइजेशन है, कहते हैं कि राजस्थान में वैसा एक्सपर्टाइज किसी के पास नहीं है, वो क्या एक्सपर्टनाइजेशन है? हम आपको आपके राज और रहस्य का, क्योंकि ये सबका सीक्रेट होता है, उसकी बात नहीं करें, पर मोटा मोटी तौर पर क्या लक्ष्य था कि आप कामयाब हो पाए? हाँ, लक्ष्य 96 में हम लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि हम लोग फर्टिलिटी यूनिट को प्लान करेंगे, और ये भी प्लान कर लिया था एक टोटल यूनिट को प्लान करेंगे। तो उसके लिए हमें जहाँ जहाँ से भी मौका पड़ा, जिन जिन से भी सीखने का मौका पड़ा, चाहे वो इंडिया में कलकत्ता जाना हो, चाहे चेन्नई हो, बेंगलोर हो या दिल्ली या इंडिया से बाहर, तो जहाँ भी मौका पड़ा जिनसे भी हम सीख सकते थे, चाहे वो दूरबीन की सर्जरी हो, चाहे IVF से जुड़ी हुई नई तकनीक हो, हिस्ट्रोस्कोपी हो या माइक्रोसर्जरी या कलर डॉपलर सोनोग्राफी। 99 में कलर डॉपलर सोनोग्राफी जैसे बहुत ही रेयर सा वर्ड हुआ करता था, डॉक्टर रेनू ने उन दिनों में सिंगापुर से उसकी ट्रेनिंग ली थी। तो बेसिक आइडिया ये था कि जब हम अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करें पेशेंट को तो वो अपडेटेड हो, एडवांस हो और इन टोटल काम करें। एक आदमी अपने मोहल्ले में ही प्रसिद्ध होने में टाइम लग जाता है, आपने जोधपुर जिला जीता, फिर आपने संभाग जीता, मारवाड़, और अब तो सुना है कि चाहे जयपुर की बात करें वहाँ से भी आपके पास जो मरीज है वो पहुँचते हैं। हमने पता कि UP से, मध्य प्रदेश से, बॉम्बे से यहाँ पे आ रहे हैं क्योंकि उनको ट्रस्ट है। तो ऐसे में जो 40,000 का आंकड़ा छोटा नहीं होता, एक दिन में तैयार नहीं होता, केवल कागज़ में लिख देने से नहीं होता है, आप लोगों ने संघर्ष किया, मेहनत किया। आपको लगता है कि आपकी जो पूरी टीम भावना, जो नीचे आपका हेल्पर है वहाँ से लेकर के सर्जन और आपकी पूरी टीम और पूरा एक सिस्टम है वो काम कर रहा है? ये कहना कि मैं अकेला सब कुछ कर सकता हूँ या हम दोनों ने मिलकर सब कुछ किया तो गलत बात होगी। ये तो टीम एफर्ट, चाहे वो एम्ब्रियोलॉजिस्ट हों, चाहे हमारे बाकी टीम मेंबर क्लिनिशियंस हों, डॉक्टर्स हों, या हमारे जो एसोसिएट मेंबर्स हैं, कोऑर्डिनेटर्स हैं, काउंसलर्स हैं, इतने सारे लोग जुड़े होते हैं इस पूरे प्रोग्राम के साथ में, OT स्टाफ है, एनेस्थेटिस्ट है, सर्जन है, वो पूरी टीम ने एक तो कहते हैं ना, इसको अपना एक मोटो बना लिया था कि हमें लाइफ में इस काम को पूरा करना है या इस पे अपने आप को इस्टेब्लिश करना है, तो शायद इसीलिए हम लोग कामयाब हो पाए, बिकॉज टीम हमारे साथ में रही और सब लोग मिलकर काम करते रहे।
लेकिन कहते हैं कि जो सिंधी समाज से व्यक्ति होता है वो दुबई में जाके भी कामयाब हो जाता है। आपने तो इसी को दुबई बना दिया आपके मेडिकल हब का। कैसे देखते हैं कि एक दूसरे का जो ट्रस्ट है आपका, ये जमीन जिस पे हम बैठे हैं, यहाँ पे खूब कोशिश हुई कि अपोलो चल जाए, वो भी नहीं चल पाया, अपने वसुंधरा को कैसे चलाया? कुछ नहीं, पेशेंट पे भरोसा और पेशेंट का हम पे भरोसा। हमारी टीम अच्छी थी, ड्रीम वर्क्स व्हेन टीम वर्क्स, तो टीम ने अच्छे से सबने एकजुट एक उसके साथ लक्ष्य के साथ काम किया और सब चलता रहा। हम लोग जब उस वक्त ट्रेनिंग के लिए बाहर जाते थे, यहाँ जाते थे, इसके बाद हमने कोशिश की फॉक्सी की ट्रेनिंग, ICOG की ट्रेनिंग, IAGA की ट्रेनिंग और हमारे खुद की यहाँ की फेलोशिप्स की ट्रेनिंग की। तो अब जो डॉक्टर्स पहले बाहर जाते थे अब वो इधर आके काफ़ी ट्रेन होके जाते हैं। लेकिन हम जोधपुर के कई डॉक्टर्स को इन दिनों में देखते हैं कि वो अमेरिका, जर्मनी, जापान जाके पुरस्कार ला रहे हैं, वो तो आप 20 साल पहले लेकर के आ गए। दुनिया भर के जो अवार्ड्स आपको मिले हैं उसके पीछे क्या कारण है, स्पेशली मैं आपकी बात करें, क्योंकि आप जब अवार्ड ले रही होती थी या ट्रेनिंग ले रही होती थी, ये अस्पताल चला रहे होते, तो क्या कॉम्बिनेशन अवार्ड्स का, ट्रेनिंग का? जब जब भगवान मौका देता गया वैसे वैसे काम करते गए और आगे बढ़ते गए, ज़्यादा कुछ सोचा नहीं कि ये काम करेंगे तो ये अवार्ड मिलने वाला है या कुछ होने वाला है। लेकिन अभी आपने कहा कि आप कुछ जैसे थ्री इडियट्स में कहा था ना, काम करते रहो, खाली स्किल्स पर ध्यान दो, सक्सेस तो आती रहेगी। कहा जाता है डॉक्टर भगवान का स्वरूप है, डॉक्टर के प्रति विश्वास होता है, कोई डॉक्टर के पास जैसे जाते जिस तरीके बात करेगा, टोन होता है, तरीका होता है, विश्वास दिलाता है, तब कोई जाके टेम्पो बनता है विश्वास का। आपको लगता है कि कहीं कि आपके प्रति मारवाड़ की जनता का विश्वास है, इस कारण आप कामयाब हो रहे हैं? इसके लिए धन्यवाद है, मेरे मन में ग्रेटिट्यूड है फॉर द पीपल हु आर ट्रस्टिंग मी, सो आई हैव फुल ग्रेटिट्यूड फॉर देम कि उन्होंने एक मौका दिया कि जो जो हमने सीखा, जो जो हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं उनका, और उसका फल भी मिल रहा है और उससे ठीक लग रहा है, तो आई एम थैंकफुल फॉर देम। महिला होने के नाते उन निसंतान जो महिलाएँ हैं, दंपति हैं, वो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगी? क्योंकि क्या होता है, शर्म संकोच के कारण वो डॉक्टर तक नहीं पहुंच पाते हैं, आप तक नहीं पहुंच पाते हैं, सुनते बहुत हैं, मन में डर भी होता है, तो क्या इसमें कोई खतरा होता है या जरूरी था कि ऑपरेशन से ही हो, उस बारे में कुछ प्रकाश आप डालेंगे? एक्चुअली इनफर्टिलिटी है ना, एक अकेली बीमारी नहीं है, ये हस्बैंड वाइफ दोनों की होती है, प्लस आजकल जब देखते हैं तो लाइफस्टाइल से ज़्यादा जुड़ी हुई होती है। एक मैसेज है कि जब आपकी मैरिज होती है तो कोशिश करें कि जब रिप्रोडक्टिव एज हो, बेस्ट है 22 साल से 28 साल के बीच में, इस वक्त जब मैरिज कर लेते हैं ना तो चाइल्ड बियरिंग डिले नहीं करें, और अगर पीरियड्स इरेगुलर हैं या आप में खून की कमी है या आपके कोई हेरिडिटी में कोई प्रॉब्लम लग रही है कि फर्टिलिटी से रिलेटेड या बच्चे से रिलेटेड कुछ है, तो ठीक है 1 साल तक 1.5 साल तक आप प्रयास करें, पर जल्दी ही आप कंसल्टेशन लें। बहुत सारी चीज़ों को जो मॉडिफाइबल फैक्टर्स हैं उनको डायग्नोस करा के करेक्ट कर लेते हैं ना, तो आपको बहुत बड़े बड़े इलाजों की जरूरत नहीं पड़ती यूजली। जब डॉक्टर का नाम बहुत बड़ा हो, उनके इंस्टीट्यूट का नाम बहुत बड़ा हो और 40,000 जैसा फिगर कामयाबी का जुड़ा हो, तो कोई भी इस तरीके से खुले में अपने टिप्स नहीं बताते, लेकिन कहा कि सेवा उनका जज्बा है। ब्रेक के बाद आपको एक बहुत बड़ी जानकारी देंगे कि आखिर ड्रग्स से कैसे बच्चे होते हैं प्रभावित या क्यों नहीं होते बच्चे, शराब है, जो पार्टीज़ हैं, या उसके अलावा आप बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं या खाना खाने का सिस्टम ठीक नहीं है, उस पर तो बात करेंगे। लेकिन जो महिलाओं में एक शौक आ गया है कि अभी हम पैसे कमा लेते हैं, करियर बना लेते हैं, तो बाद में वो खुद माँ बनने से वंचित रह जाती है, आखिर क्या क्या है रहस्य और कैसे खोलेंगे राज मकवरा दंपति, दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद। देखते रहे फर्स्ट इंडिया न्यूज़। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं खास मुलाकात में डॉक्टर संजय मकवाना और डॉक्टर रेणु मकवाना। ये एकमात्र राजस्थान के ऐसे दंपति हैं जिन्होंने जो मारवाड़ के, पश्चिमी राजस्थान के, राजस्थान के उन लोगों के दर्द को समझा और कुछ ऐसा सिस्टम शुरू किया कि लोगों का विश्वास बढ़े। जिस तरीके से दकियानुसी समाज और इस समय तानों की संस्कृति, बच्चा नहीं होने पर केवल एक औरत को जिम्मेदार ठहराना, ये भ्रांतियाँ दूर की। जब भ्रांतियाँ दूर की, लोगों का विश्वास तकनीकी में हुआ, और जब तकनीकी में विश्वास हुआ तो संतान उत्पत्ति का क्रम चालू हुआ, जो 40,000 के आंकड़े तक पहुँच गया। लेकिन अब नई नई टेक्निक्स आ रही हैं, वो ऐसी क्या टेक्निक्स हैं? लोगों को, खासतौर महिलाओं को लगता पता नहीं कितना खर्च होगा, कितना खतरा होगा,
उस पर बात करना जरूरी है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का अगर किसी भी प्रकार का इलाज कराते हैं तो पहले जेब देखी जाती है। और अब तो पैकेजेस चलते हैं, सरकार भी जो जिससे सपोर्ट कर रही है। संजय जी कैसे देखते हैं, क्योंकि लोगों को दो तरह का भय होता है, होगा या नहीं, और होगा तो खर्च कितना होगा। तो साधारण सब, क्योंकि अपनी संतान उत्पत्ति के लिए उसका वो सब कुछ जेवर तक बेच देते हैं, घर बेच देते हैं, लोन ले लेते हैं, तो ऐसे में जो तकनीक है क्या महंगी है, और अगर सस्ती है तो कैसे आप तक पहुंच सकता है व्यक्ति। देखिए, एक तो यह है कि IVF 78 में एक तरह से बाजार में आया, नाम कॉमन हुआ, क्योंकि पहला बेबी 1978 में बॉर्न हुआ, लुइजा ब्राउन। उसके बाद में तकनीक में बहुत बदलाव आया, टेक्नोलॉजी काफ़ी इम्प्रूव हुई, सक्सेस काफ़ी इम्प्रूव हुई। आज हम बड़े आसानी से कह सकते हैं कि 60% कपल्स IVF के द्वारा प्रेगनेंसी ले सकते हैं। तो IVF एक बहुत अच्छी तकनीक है, बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है, और नई तकनीकों के साथ में, जैसे हम लोगों के पास में बहुत सारी नई तकनीकें हैं जो कि ओवरऑल सक्सेस रेट को अच्छा रखती है, चाहे वो ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफ़र बोलते हैं हम लोग, लेज़र हैचिंग बोलते हैं, एम्ब्रियोस्कोप से मॉनिटरिंग है सो दैट वी कैन सेलेक्ट द बेटर क्वालिटी और बेस्ट क्वालिटी ऑफ द एग्स, तो या स्पर्म्स का जो है वो AI बेस्ड असेसमेंट है। ये सारी चीज़ें कुछ इस तरह से हैं जो आपकी सफलता की संभावना को बढ़ाती है। तो जैसे ही आप सफलता की संभावना को बढ़ाते हैं तो आपका खर्चे का पार्ट कम हो जाता है, स्टेटस सिंबल हो गया कि मेरा जॉब लग जाए, चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो, और आराम से 30 35 40 साल में शादी कर रहे हैं। तो कहते हैं कि एक तो बहुत मुश्किल होता है माँ बनना, अगर माँ बन भी गए तो जो संतान होती है वो उसका आकार विकृत हो जाता है या कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, क्या ये बात सही है। एक्चुअली जब लेट एज में है ना प्रेगनेंसी आती है ना, तो कुछ हद तक डाउन सिंड्रोम, बच्चे के एब्नॉर्मल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पर आजकल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हम जांच करते हैं, 3 महीने पे जांच करते हैं, अगर उसमें कोई रिस्क आता है तो फ्लूड चेक करके जांच कर लेते हैं कि बच्चा वास्तव में किसी जेनेटिक प्रॉब्लम से ग्रसित है या नहीं है, तो इसलिए कोई चिंता वाली बात नहीं है। पर यह है, ज़रूर है कि ना प्रेगनेंसी प्लान करने में लेट नहीं करें, क्योंकि आपकी एज रिलेटेड मॉर्बिडिटीज बढ़ जाती हैं, आपके डायबिटीज़, थायराइड या ब्लड प्रेशर, वो सब चीज़ें आ जाती हैं, तो आपकी प्रेगनेंसी को रिस्की बनाती हैं। एज का एक और बड़ा इशू भी है, जैसे जैसे एज बढ़ती है फीमेल में स्पेशली, ओवेरियन जो स्टॉक है या ओवेरियन रिजर्व जो है ना वो तेज़ी से कम होना शुरू होता है, क्योंकि हमारे यहाँ जो मेंस्ट्रुएशन चालू होने का जो टाइम है वो जल्दी है गर्म देश होने के कारण से। तो जब आप एज 30, 32, 35 पे डॉक्टर के चैम्बर में आते हैं, तब तक आपके ओवरी का रिजर्व काफ़ी कम हो चुका होता है। ओवरिन रिजर्व जो है आपकी प्रेगनेंसी की क्वालिटी को भी तय करता है, प्रेगनेंसी लगने के समय को तय करता है, प्रेगनेंसी की क्वालिटी को तय करता है, और प्रेगनेंसी के 9 मंथ्स की जर्नी को भी तय करता है। जब ओवरी का रिजर्व अच्छा हो, जब ओवरी में काफ़ी सारे एग्स या फॉलिकल बन रहे हों, तब प्रेगनेंसी आए। रेनू मैम, आपसे एक सवाल था कि जैसे मान लीजिए एक महिला हूँ और मैं ड्रिंक की आदी हो गई हूँ, रह ही नहीं सकती हूँ, कॉलेज में लड़कियों के साथ ड्रिंक करना सीख लिया, आजकल ड्रग्स चल पड़ा, वो ड्रग्स ले लिया, यही तो आपको लगता है, यही आदमी में भी प्रवृत्ति में है कि चलो यार आजकल तो स्टेटस सिंबल हो गया है, आपको लगता है कि बच्चा होने में ये कहीं बाधक होता है? होता है, क्योंकि ये सब है ना बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस देता है, बहुत दिक्कतें करते हैं। और जो अंडेदाने होते हैं ना, इसमें तो वैसी काफ़ी कोमल कोशिकाएँ होती हैं जो जल्दी ख़त्म होना शुरू होती है, तो उनका ओवरन रिजर्व ख़त्म हो जाता है। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर अल्कोहल लिया तो एक डेफिनेटिव अल्कोहल सिंड्रोम है बच्चों में, जिसमें बच्चे कमज़ोर होते हैं, दिमागी रूप से क्रिपल्ड होते हैं, ये सब तकलीफें होती हैं। तो अपने दिनचर्या तो बिल्कुल ठीक रखनी ही पड़ेगी अगर आप एक नई संतान को जन्म दे रहे हैं। तो स्मोकिंग बिगेस्ट किलर है, ये ओवरन रिजर्व को इतना कम करता है कि आपको पता ही नहीं चलता कि आपके पीरियड्स तो अभी तक तो ठीक थे, अब धीरे धीरे कम होने लगे, अब आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो, और जब आप आते हो तो लगता है ओवरी तो बहुत छोटी छोटी है, टेस्ट कराते तो ओवरी रिजर्व है ही नहीं। नाम तो नहीं जाना चाहेंगे, पर आधुनिक ज़माने की खूब लड़कियां आपके पास आती होंगी मैरिड, और उनके नहीं होते जिनको स्मोकिंग की भयंकर वाली आदत, आप कैसे पकड़ते हैं कि वो इतनी स्मोकिंग कर रही है, शायद वन ऑफ द रीज़न दिस। बेसिक डिज़ायर जब आपकी स्ट्रांग होती है तो आप अपनी चीज़ों को खुलकर अपने डॉक्टर के साथ शेयर करते हैं, और जैसे ही हमें मालूम चलता है कि टैबेको किसी भी फॉर्म में आप कंज्यूम कर रहे हैं तो हमारी तरफ से बिग नो होता है, बिकॉज टैबेको चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो,
दोनों में इक्वल तरीके से उसकी फर्टिलिटी पोटेंशियल को कम करता है। सुना है आप राजधानी तक आजकल काफ़ी व्यस्त हैं और एक मेडिकल कॉलेज की बात करें, यूनिवर्सिटी की बात करें, क्योंकि निसंतानता पे पूरे वर्ल्ड के अंदर कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, और इस तरह का कोई ख्वाब आपने दोनों ने मिल के देखा है, लेकिन फिर मैं सुना है कि फिर आप रुक गए, फिर स्टार्ट हुए, फिर रुक गए, आखिर क्या चल रहा है? कुछ नहीं, हमें लगता है कि ये कोई भी काम इस स्टेज के बाद में अगर हम करते हैं तो हमारा जो बेसिक पैशन है टू ट्रीट पेशेंट, हम उससे दूर हो जाते हैं। तो अल्टीमेटली हमें लगता है कि नहीं, वी आर मोर हैप्पी विद आवर पेशेंट्स, ट्रीटिंग दैम, मीटिंग दैम, और उनकी जो खुशियाँ जब आती हैं ना तो उनको इंजॉय करना, वो डॉक्टर के चैम्बर में बैठ के हो सकता है, ऑफिस में बैठ के तो नहीं। आपके चैम्बर में प्रवेश करते तो राइट साइड में खूब सारा एक बोर्ड लगा हुआ है, वो हंसती खेलती माएँ हैं, अपने बच्चों के साथ हैं, कहीं आपने गले लगा रखा है, कहीं आप आशीर्वाद दे रहे हैं, उन तस्वीरों के पीछे का सच क्या है? और उसके अलावा अब आपने अपने जो ज्ञान है, जानकारी है, अनुभव है, उसको आपने अपनी जो संतान है प्रतीक, जो डॉक्टर प्रतीक, अब उनको आपने दिया, वो कहते कि वो आप दोनों को इसी प्रोफेशन में पीछे छोड़ने वाले हैं, क्या है उनको डेब्यू कह सकते हैं? भाई पहली खुशी क्या होती है? संतान हो। दूसरी खुशी क्या होती है? कि संतान अपनी ही राह पड़े। राजा का बेटा जब राजा बनता है और ज़्यादा खुशी होती है, अब आपकी संतान आपकी राह पर चल रही है, कितनी खुशी। अगर बच्चे हमारे साथ ही जुड़ें और हमारे साथ आगे बढ़ें तो इससे बढ़िया खुशी किसी भी पेरेंट को नहीं हो सकती, वही हमें भी है। प्रतीक बेसिकली एम्ब्रियोलॉजिस्ट है, MBBS के बाद उसने एम्ब्रियोलॉजी अपना सब्जेक्ट चूज़ किया, और वो एम्ब्रियोलॉजी में मीन्स IVF में कहते हैं ना, वो प्रतीक की भाषा में बोलें तो वो बोलता है कि भाई हम लैब में बच्चे बनाते हैं। तो बेसिकली लैब का जो IVF का जो काम है वो 50% काम क्लिनिशियंस के पास है, डॉक्टर्स के पास है चैम्बर में, और 50% काम जो है वो एम्ब्रियोलॉजिस्ट के पास लैब में है। तो प्रतीक इज़ अ सीनियर एम्ब्रियोलॉजिस्ट और बेसिकली वो ही लैब का सारा काम देखता है, वो ही देखता है कि एम्ब्रियोज कौन से सेलेक्ट किए जाएँ, कैसे अच्छे हैं, और उनको ट्रांसफ़र करें तो सक्सेस हमारी अच्छी आए। एंड बीइंग एम्ब्रियोलॉजिस्ट और सीनियर एम्ब्रियोलॉजिस्ट, वो काफ़ी सारे एम्ब्रियोलॉजिस्ट को यहाँ ट्रेन भी करता है। वसुंधरा जो एक मेजर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी है, बहुत सारे डॉक्टर्स यहाँ ट्रेनिंग के लिए भी आते हैं। तो हम अपनी जो कहते हैं ना नॉलेज है, जो हमने एक्सपर्टीज हासिल की है, उसको आगे स्प्रेड भी करते रहते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस टेक्निक को सीखें, ज़्यादा से ज़्यादा इस टेक्नोलॉजी को अपनाएं, सो दैट इनफर्टिलिटी की जो प्रॉब्लम है, जो इशू है हमारे समाज में, जो सोशल स्टिग्मा है, उसको कम कर सकें। एक शब्द बड़ा प्रचलन, टेस्ट ट्यूब बेबी, क्या जोधपुर जैसी जगह में उसमें कामयाबी मिल पा रही है? क्योंकि कई बार ये आपके अंडरकरंट सिस्टम होते हैं, उसका आप सहायक कम करते हैं, नहीं करते होंगे, मेडिकल साइंस का हो सकता है कोई आपके नियम होंगे, लेकिन क्या प्रचलन यहाँ पर है? बिल्कुल है। आप जोधपुर में हम लोगों ने 96 में पहला टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एक तरह से इस्टेब्लिश किया, 98 में हमारा पहला टेस्ट ट्यूब बेबी बॉर्न हुआ। तब से अब तक आई थिंक वी कैन से कम्फर्टेबली कि मोर देन 7500 टेस्ट ट्यूब बेबी वसुंधरा जोधपुर से जन्म ले चुके हैं। वसुंधरा के परिवार से देखें पूरा तो बहुत सारी जगह वसुंधरा काम करता है, तो अगर वो सब जोड़ के देखें तो शायद ये नंबर 12,000-15,000 से ऊपर होंगे। सो टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्नोलॉजी बहुत पॉपुलर है, बहुत सारे लोग अडॉप्ट करते हैं। आज के दिन में अगर देखें तो करीबन 100 कपल एवरी मंथ इस प्रक्रिया से हमारे सेंटर से गुजरते हैं। ये टेक्निक इतनी कॉमन हो चुकी है और इतनी आसान लगती है आजकल के कपल्स को, बिकॉज उनको लगता है कि इसकी सक्सेस रेट अच्छी है, टेक्नोलॉजी ने एडवांसमेंट किया है, आसान हो गया है सारा काम। रेणु जी, महिलाएँ आमतौर पर आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन और मैं खूब स्फूर्ति और तेज़ी होती है, हमने आपके चेहरे पर संतोष देखा है, हमने आपके चेहरे पर सेटिस्फेक्शन देखा है, आप कहीं कोई भागा दौड़ी नहीं, कहीं किसी से कंपटीशन भी हम देखने को नहीं मिलता है कि किसी डॉक्टर से, किसी इंस्टीट्यूट से, या कोई साथ पढ़ने वाली वो कहाँ पहुँच गई, आप संतोषी हो गए हैं, आपको लगता है आपने सब कुछ पा लिया है? मंजिल कोई ऐसा नहीं होता कि एक मंजिल हो गई, तो पूरा सफ़र है। तो वो जब आप बिल्कुल शांत स्वभाव से बिल्कुल एक आपके चित्त शांत होगा तो आपका ना परफॉर्मेंस लेवल अच्छा होगा, तो इस सीक्रेट को जान लो ना तो फिर दिक्कत नहीं होती। लेकिन हमने ये भी सुना है कि इस अस्पताल में जितने भी फीमेल जो वर्किंग आपकी टीम है वो सबको आपने बेटियां बना रखा है और उनको डॉटर्स बना करके एक परिवार के रूप में, आप कहते भी हैं कि मेरी अकेली खुशी नहीं, खूब सारी खुशियां हैं। जब बहुत सारे लोग एक साथ काम करते हैं, एक साथ बढ़ते हैं, तो आप ज़्यादा सफलता प्राप्त करते हो बजाय अकेले दौड़ने के। संजय जी, अगर इस पूरे सफ़र को देखें तो आपने क्या सोचा था कि एक ऐसी अर्धांगिनी मिलेगी जो आपके फील्ड की होगी? और आमतौर पर चलो फील्ड भी मिल जाते हैं, क्योंकि बहुत रेयर होता है जब स्त्री रोग विशेषज्ञ पुरुष होते हैं,
लेकिन आप भले ही IVF एक्सपर्ट हैं, लेकिन आपको भी लोग जो है ना वो स्त्री रोग विशेषज्ञ के रूप में जो पहचान मिल गई है, और दोनों मिलकर के जो खुशियाँ बांटते हैं, ये भी सुना कि कई बड़े बड़े घराने आपने उनके घरों में भी इस तरह की खुशियाँ लाने की कोशिश की है, और कोशिश करते हैं कि जब आपके पास किसी उम्मीद की किरण से कोई आता है तो भगवान का प्रसाद लेकर के ही जाए। जब शुरुआत की थी तब ऐसा कुछ नहीं सोचा था कि हमें इनफर्टिलिटी में ही काम करना है या हमें एक बड़ा इंस्टीट्यूट बनाना है। बेसिकली उस समय की डिज़ायर जो थी वो डॉक्टर रेणु की थी कि हम लोग स्पेशली इस सिस्टम पे काम करें कि जो हमारे जो इनफर्टाइल कपल हैं उनको हम किसी भी रूप में हेल्प कर सकें या उनको हम ट्रीट कर सकें, पर ध्यान ये रहे कि वो ट्रीटमेंट कंप्लीट हो। ये नहीं होना चाहिए कि हमने थोड़ा कुछ कर लिया उसके बाद हमने कह दिया भाई आप यहाँ चले जाओ वहाँ चले जाओ, ऐसा नहीं हो, क्योंकि वो कपल पहले से ही काफ़ी परेशान रहते हैं, समाज में भी आपस में भी परिवार में भी बहुत सारी मुश्किलों से पार हो रहे होते हैं। इनिशियली ये एक छोटी सी इच्छा थी कि हम लोग इन कपल्स के लिए काम करें और कोशिश करें कि उनको टोटल ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकें, बस इतना सोचा था। लेकिन चलते चलते एक आखिरी सवाल, मंजिल क्या है? ये तो हमें तो बता दो, अपने कंपटीटर्स को आप भले बताओ नहीं बताओ, लेकिन मंजिल क्या है? सेटिस्फाइड पेशेंट की लिस्ट बड़ी होती रहे, हमारे जो इनफर्टाइल कपल्स हैं वो खुशी के साथ अपने घर वापस जाएं, अपने प्रेगनेंसी को अचीव करें, अपने बच्चों के साथ खुश रहें, और हम लोगों को भी इसी तरह से सेटिस्फेक्शन मिलता रहे और आप जैसे लोगों के साथ इंटरेक्शन का मौका मिले। तो आपने देखा कि आमतौर पे कोई व्यवसायिक जोड़ा होता है उससे व्यवसाय के बारे में सोचता है, लेकिन ये पहला ऐसा जोड़ा है जो सिर्फ सेटिस्फेक्शन खुद का भी और औरों का भी, और कहते हैं कि दुनिया उसी तरह खूबसूरत बनती है जब औरों को खुशियाँ देने की कोशिश करते हैं, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। इस अस्पताल में कई बार ऐसे भी जोड़े आते हैं जिनकी स्थिति ठीक नहीं होती, कई ऐसे जोड़े आते हैं बहुत परेशान बहुत दुखी होते हैं, उनको संभल का हाथ रख करके अपनी तरफ से चुपचाप गुप्त रूप से सहयोग करके बिना कुछ लिए दिए उनकी मदद करके, और जब प्रोफेशनल में उसको अपना करके समाज के अंदर कम से कम जो माँ नहीं बन पाने के कारण जो तस्वीर है उसको बदलने की कोशिश की है मकवाना दंपति ने। हम उम्मीद करते हैं आगे के एपिसोड में किसी ऐसे ही दंपति से आपसे फिर करेंगे मुलाकात। आप दीजिए पूरी टीम को इजाज़त, नमस्कार।